कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान बलराम की जयंती को 9 सितंबर को प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने किया। किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। एक अभिनव पहल शुरू करी है और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती ला किसान दिवस के रूप में हमन मनाबो और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान मन पुरस्कृत हो ही तो एकर एक अच्छा वातावरण निर्मित हो ही पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाई मल्ला एकर ले बहुत फायदा हो ही। एकर ले मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूँ और आज के अवसर में प्रदेश के हमारे किसान भाई बहनी मन जो उत्कृष्ट काम करे हैं कृषि के क्षेत्र में ओमला हमन यहाँ पुरस्कृत करे हन मंच में तोमन के भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ओमन आगे और ऐसे ही काम करें और हमर किसान मन के वो मार्गदर्शक बने, किसान मन के वो प्रेरणा के स्रोत बने। आज भगवान बलराम जयंती है तो सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान बलराम जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और हमारा कृषि मंत्रालय ये बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मना रहा है। इसके लिए कृषि विभाग को भी और हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को भी हम धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अभिनव पहल है। हर साल 9 सितंबर को बलराम जयंती को कृषक दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहां पर जो प्रदेश के उत्कृष्ट किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा। और इस अभिनव पहल के लिए मैं पुनः कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर हम लोग प्रदेश के जो उत्कृष्ट किसान हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, पशुपालन में, मत्स्य पालन में और आपका अन्नश्री के उत्पादन में ऐसे किसानों को पुरस्कृत किए हैं और आज हमारे किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी जी का भी बड़ा मतलब प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी का, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और सांसद आदरणीय बृजमोहन जी का, उनका भी बड़ा प्रेरक उद्बोधन हुआ है और आज इस किसान दिवस में यहां पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन तो है ही लेकिन प्रदेश के अन्य 26 कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां भी उस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई इससे जुड़े थे ऑनलाइन और वहां हमारे सांसद नगरगण, विधायकगण, मंत्रीगण कहीं न कहीं सब जुड़े थे, उनको भी इसका लाभ होगा।